यहाँ इस सृष्टि में ये तीन तत्व प्रमुख हैं, एक प्रेरक, एक भोक्ता और एक भोग्य। प्रेरक कौन है? प्रेरक परमात्मा है। ये जो कुछ भी हो रहा है किसके प्रेरणा से हो रहा है? अरे बोलो तो, तुम्हारी प्रेरणा से हो रहा है क्या? हाँ बोलो, परमात्मा की प्रेरणा से हो रहा है। किसकी प्रेरणा से हो रहा है? परमात्मा की प्रेरणा से। परमात्मा प्रेरक है, वो शक्ति शक्ति देने वाला है, वो चेतना देने वाला है, और उसकी चेतना से ये संपूर्ण जगत चैतन्य है। और आप देख लो ना, प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है, हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम यहाँ बैठ पा रहे हैं। किसकी शक्ति से? परमात्मा की शक्ति। और जिस दिन वो शक्ति निकल जाती है, उस दिन क्या हो जाता है? इस शरीर की क्या संज्ञा हो जाती है? मिट्टी, पार्थिव शरीर, ऐसा का शोक कह दे मिट्टी पड़ी। तो उसकी चेतना से वो प्रेरक है, वो प्रेरणा देने वाला है, वो चेतना देने वाला। और फिर दूसरा है भोक्ता, और तीसरा है भोग्य। भोग्य क्या है? ये संसार भोग्य है। आप संसार का भोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना। ये बात अलग है कि बाद में ये संसारी आपको भोगने लग जाता है। ये बात की बात है। भगवान शंकराचार्य ने कहा था ना, विषया न भोक्ता वयमेव भोक्ता। हम विषय को नहीं खा रहे हैं, विषय हमें खाने लग जाते हैं एक समय खाने के बाद है। तो जो कुछ भी हम यहाँ पर भोग रहे हैं ये भोग्य है, और भोक्ता कौन है? ये जीवात्मा भोक्ता। हमारे शास्त्रों में इस जीवात्मा का बहुत सुंदर निरूपण किया है। एक रथ के रूप में इस शरीर को माना है। जिस तरह से एक रथ होता है, आजकल तो कारें हो गई हैं, पूर्व काल में रथ हुआ करते थे, रथ को घोड़े खींचा करते थे, उन घोड़ों के लगाम लगी हुई होती थी, और वो लगाम सारथी के हाथ में होती थी, और उस सारथी का निर्देशन वहाँ बैठा हुआ मालिक रथी उस सारथी को बताता था। इस शरीर की इस तरह से एक सुंदर व्याख्या, एक सुंदर वहां पर निरूपण हमारे शास्त्रों ने किया है। रथ क्या है? ये शरीर रथ है। और घोड़े कौन है? 10 घोड़े इस रथ में लगे हुए हैं। हमारी 10 इंद्रियां वो 10 घोड़े हैं, और उन घोड़ों पे लगाम लगी हुई है। लगाम क्या है? हमारा मन ही लगाम है। और वो लगाम किसके हाथ में है? ड्राइवर के हाथ में है, सारथी के हाथ में है। और वो सारथी किसके निर्देशन पर चलता है? मालिक के। कोई भी यहां पर स्वतंत्र नहीं है। रथ किसके अनुसार चल रहा है? घोड़ों के हिसाब से चल रहा है। रथ इधर उधर नहीं हो सकता, जिधर घोड़े लेके जाएं उधर ही जाना है। और घोड़े भी इधर उधर नहीं हो सकते हैं। घोड़े भी कैसे चलेंगे? जैसे उनको लगाम लगेगी वैसे घोड़े। घोड़े भी अपने मन से इधर उधर, अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं हो सकते हैं। जैसे उनके लगाम होगी, जिधर उनको लगाम लगेगी उधर वो घोड़े भी जाएंगे। और वो लगाम भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती है। लगाम भी किसके इशारे पर चल रही है? सारथी के साथ, ड्राइवर के साथ। गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ वहां होती है कि मालिक ने ड्राइवर से कहा कि वहां ले चलो, लेकिन ड्राइवर वहाँ ना ले जा करके कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, कभी यहाँ ले जाता है, कभी वहाँ, और यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है हमारी। प्रेम भैया का ड्राइवर है हुकुम। प्रेम भैया गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से कहा ले चलो हमें वहाँ, तो ले जाता कि नहीं भैया? प्रेम भैया ले जाता है, सिर्फ वो लक्ष्य तक लेके जाएगा। लेकिन ड्राइवर ने शराब पी ली हो तो ले जाएगा लक्ष्य पे, वो फिर कभी इधर ले जाएगा, कभी उधर। ठीक उसी तरह से हमारी ये बुद्धि हमारी ड्राइवर है, और हमारी आत्मा मालिक है। आत्मा ने तो कहा है तो परमात्मा की तरफ चल, लेकिन ये बुद्धि परमात्मा की तरफ चल रही है? नहीं चल रही। कभी यहाँ चलती है, कभी वहाँ चलती है, कभी। और आप ध्यान देना कितनी आश्चर्य की बात है, कथा में बैठने के बाद भी ये बुद्धि आपको यहाँ बैठने दे रही है? सही से बोलना। हाँ, कोई मोबाइल पे ले जा रहा है, कोई घड़ी पे देख रहा है कि 7 बजे तो महाराज जी विश्राम लें, तो उसके बाद हमें भी विश्राम मिले। सबके अपने अलग अलग मतलब है ना। मोबाइल में उस बुद्धि ने नशा किया हुआ है। और आप देखना, आप सोचते हो कि हमने कोई नशा, सब ने किया हुआ है। एक युवक, आप अपने बेटे से को मंदिर चलो, वो अपनी जवानी के मद में इतना मतवाला रहता है,
अपने जवानी के नशे में इतना मतवाला रहता है, वो कहता है कि जब हम तुम्हारी उम्र में आएंगे तब हम मंदिर जाएंगे, अभी तुम ही मंदिर जाओ। आप कहते हो सत्संग में चलो, नहीं नहीं हमारी सत्संग में जाने की उम्र है क्यों, क्या नहीं, अभी तुम जाओ, हमें नहीं सत्संग जाना। तो ये आत्मा ने उस ड्राइवर को लक्ष्य बताया हुआ है, हमें वहां चलना है, लेकिन ये ड्राइवर सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि इसने नशा किया हुआ है, ये मतवाला हो रखा है, ये बुद्धि मतवाली हो रखी है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। इसे सुनाई तो देता है कि मैं लक्ष्य पर चलना है, लेकिन उस नशे में ये भूल जाता है कि वो रास्ता किधर है। तो हमारी आत्मा का लक्ष्य क्या है? परमात्मा। प्रत्येक जीवात्मा में, जितने भी हम जीवात्मा हैं, प्रत्येक जीवात्मा की जीवात्मा का लक्ष्य परमात्मा है, उसको परमात्मा ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सबको परमात्मा ही चाहिए। आप कह सकते हो कि महाराज सबको परमात्मा कहाँ चाहिए? अरे बहुत से तो लोग ऐसे हैं कि जो परमात्मा का नाम ही नहीं जानते हैं, परमात्मा तो छोड़ो, परमात्मा का नाम ही नहीं जानते हैं वो, कि कौन परमात्मा, कैसा परमात्मा, कैसा, उनको यही नहीं पता है। मैं भी जुलाई में बिहार में था, कथा थी बिहार में, लोग मिलने आते थे। एक सज्जन मुझसे मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा महाराज जी आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा वृंदावन से। तो सुनते उसने कहा ये वृंदावन कहाँ है? तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम किशन लाल है। तो मैंने कहा कृष्ण जहाँ पैदा हुए थे वही वृंदावन है। मैंने नाम इसलिए पूछा कि शायद ये ईसाई हो, मुस्लिम हो तो शायद उसे वृंदावन नहीं पता हो, लेकिन जब उसने बताया कि मेरा नाम किशन लाल है, तो मैंने कहा भैया जहाँ किशन पैदा हुए थे वहीं वृंदावन है। तो लोगों को यही पता नहीं है कि वृंदावन कहाँ है। ईश्वर, आप ये कह सकते हैं कि आत्मा का लक्ष्य परमात्मा है, लेकिन लोगों को तो ईश्वर से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये शास्त्र कहते हैं परमात्मा, भले आप परमात्मा का नाम न लेते हो, लेकिन लक्ष्य सबका परमात्मा ही है।